नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पंजाब में 24 घंटे में 800 पशुओं ने लंपी से दम तोड़ा। केंद्र से 3.33 लाख डोज मांगे। पंजाब में पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी घातक हो गई है। 24 घंटे में सूबे में 800 पशुओं की लंपी से मौत हो गई। यह अब तक का सबसे बड़ा मौतों का आंकड़ा है। वीरवार को 385 पशुओं की मौत हुई थी। हालांकि नए संक्रमित केस जरूर कम हुए। 11 अगस्त को 5,185 नए केस मिले थे। शुक्रवार को 4,946 नए केस आए हैं। जैसे जैसे लंपी से हालात चिंताजनक हो रहे हैं, विभाग पशुओं के सैंपल लेने में भी पीछे हट रही है। केवल 524 सैंपल ही जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। विभाग केवल पशुओं में लंपी के लक्षण देख उनको संक्रमित मानने लगा है। सीएम भगवत मान की ओर से 3 गठित हाईवे लेवल तालमेल कमेटी 3 दिन बाद भी ग्राउंड पर नहीं उतरी, लेकिन कमेटी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीटिंग कर लंपी की रोकथाम के लिए लंबी चर्चा की। कमेटी ने केंद्र से 3,33,000 और डोज मांगी है। गांव में हालात बदतर हो रहे हैं। विभाग के पास दवाओं की भी शॉर्टेज है। ज्यादातर पीड़ित किसान अपने खर्च से इलाज करवा रहे हैं। उनका आरोप है, अक्सर कहा जा रहा है कि 30 पशु होने पर ही शिशि खुलेगी, संक्रमित पशुओं के घर नहीं जाएंगे। ऐसी कई शिकायतें पशुपालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खुद के जिले से है। इस बात का मंत्री ने कड़ा एक्शन भी लिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को निर्देश दिए कि पशुओं के लिए कैल्शियम, विटामिन और अन्य दवाएं मुहैया करवाएं।